जो नंबर वन रैंक है वो हासिल की, इसी को लेकर विवाद यहाँ पर एक तरह से हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में टॉप लोगों ने कैसे यहाँ पर कर लिया है। तंत्र का नहीं आया, नीट का रिजल्ट भी आया है और पूरे देश से इसकी शिकायतें आ रही हैं। पिछले 5 सालों में 5 साल के रिजल्ट देखें तो सिर्फ 2 बच्चों को 720 मिला और इस बार 720 लाने वाले 67 बच्चे। खुदकुशी। एमपी की रीवा रहने वाली छात्रा बागीशा तिवारी नीट की परीक्षा के रिजल्ट के बाद से ही चल रही थी तनाव में, बुधवार देर शाम को अपनी बिल्डिंग से लगाई छलांग। नमस्कार बच्चों और पेरेंट्स को, आपका स्वागत है मानस स्टडीज में। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं नीट के रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखिए, पूरे साल भर में एक बार एग्जाम होता है नीट का, जिसको एनटीए करवाता है, लेकिन अब की बार कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से कुछ हमारे बच्चे भी और कई जानने वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं और उसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। हम आपको कुछ एनटीए को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अ बिग एजेंसी जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और इस एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बच्चों का विश्वास उस चीज से उठ जाता है। जैसे 1 से लेके 67 तक का बच्चों का 720 स्कोर आना, 1 से लेके 67 आज तक कभी इतना हाई स्कोर कभी बच्चों का नहीं आया। हो सकता है स्कोर बच्चों ने अच्छा किया हो, लेकिन एक ही सेंटर पर 7 से 8 बच्चों का 720 आ जाना, ये कहीं ना कहीं अचंभित करता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एग्जाम हुआ और वहीं पर 7-8 बच्चों का इकट्ठा 720 स्कोर आ गया, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सोच करके। और उसी जगह पर 2-3 बच्चों का और जो आया है वो भी रिजल्ट बहुत ही नजदीक है 720 के, ऐसा कैसे हो रहा है? ये जांच होनी चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि इस बात पर आवाज उठाई जाए। उसके साथ साथ एक चीज और देखी गई है कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आउट होना था, 4 जून को कैसे हो गया? 10 दिन पहले एकदम से रिजल्ट आउट होना, ये थोड़ा सा अचंभित करता है कि ऐसे कैसे रिजल्ट आउट हो गया। और इसके साथ साथ एक और चीज हम देखने को आ रही है कि बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं 719 और 718, उसके लिए एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन वो भी गले नहीं उतर रहा पेरेंट्स के बच्चों के। मेरे पास एक बच्ची आई थी, 640 उसका स्कोर आया, अच्छा लगा, लेकिन वो भी थोड़े परेशान थे कि ये कैसा हो रहा है भाई। 40 तो सीट्स हैं एम्स दिल्ली के अंदर और 40 सीट्स में 67 बच्चों को आप कैसे दे देंगे? तो फिर क्या करेंगे? फिर आप फिर सुनने में आ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम्स के या फिर रोल नंबर के हिसाब से, ऐसे कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है और एनटीए से भी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा दोबारा देखा जाए। और बीच में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं, सुनने में आया कि पेपर लीक हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट ये है कि नीट का पेपर अगर या तो दोबारा चेकिंग हो और या फिर एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराए ताकि बच्चे ढंग से एग्जाम दे सके, क्योंकि जीवन का एक पूरा वर्ष देता है बच्चा कहीं पर। मैंने जब मैंने देखा है नीट का बच्चा अधिकतर ड्रॉप करके बच्चा बहुत तो फ्रेशर्स कम हो पाते हैं, टाइम लगता है, पेपर डिफिकल्ट होता है। बायोलॉजी के बच्चे के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो पूरा 1 साल देते हैं और उस 1 साल के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो बच्चा परेशान होता है, पेरेंट्स भी साथ में परेशान होते हैं। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सोचा जाए। ठीक है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सल भी वीडियोज बन रहे हैं, आ रहे हैं नेट पर, तो वो देख करके भी कि भाई ठीक है, पॉपुलैरिटी लेने के लिए वीडियो बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स उठाना और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि देखने में लिख रहा है कि 1 से लेके 67 इतना बच्चा कभी भी 720 स्कोर नहीं लेकर के आया है। कहने को कह सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं कि 720 AIR 1 AIR 1, लेकिन 1 से लेके 67 इतना स्कोर हाई। तो एक रिक्वेस्ट और भी है एनटीए से कि पेपर को टफ किया जाए। कोई बात नहीं, पेपर टफ होगा बच्चा करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा होड़ होगी, इतना ज्यादा स्कोर जब आने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और पेपर में ट्रांसपेरेंसी हो और पेपर लीक ना हो, कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ है, चाहे टाइमिंग की वजह से हुआ है चाहे लीक की वजह से हुआ है, और ये चीज कोई ट्रांसपेरेंट वर्किंग नहीं है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद।